नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास स्नान और व्रत कैसे करें तथा कार्तिक मास का व्रत करते वक्त और स्नान करते वक्त क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनकी सबकी संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत और तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और तप करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में सबसे पवित्र मास माना गया है और भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज प्रथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया था। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं सत्यभामा जी को इसके महात्म्य के बारे में बताया था। वैसे तो यह मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पे खत्म होता है और अधिकांश सनातन धर्मावलंबी भक्त जो होते हैं वो शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक मास का स्नान और व्रत करते हैं तथा कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज सुनते भी हैं। परंतु इस नियम में वैष्णव मत का पालन करने वाले जो व्रती होते हैं वो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती हैगी पापांकुशा एकादशी, उससे ही कार्तिक स्नान का व्रत और नियम पालन आरंभ कर देते हैंगे तथा वे कार्तिक महात्म्य का भी एक अध्याय वो भी रोज सुनते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक वो कार्तिक स्नान करते हैं और उसके बाद देवउठनी एकादशी से लेके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक रोज 5 दिन तक पंच भीकम की कहानी सुनते हैं और पंच तीतरी का व्रत करते हैं। कार्तिक मास में स्नान करना, कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करना, भजन कीर्तन दीपदान तुलसी जी का विवाह यज्ञ भंडारा दान आदि ये सारे कार्य किए जाते हैं, इनका विशेष फल मिलता है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रत में 5 मुख्य नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है। कार्तिक व्रत में ये 5 नियमों का पालन करने से यानी आपका व्रत पूरा माना जाता है और हम इन्हें कार्तिक व्रत के 5 करने योग्य कार्य या 5 अंग भी कह सकते हैं। ये जो कार्य है वो है, पहला तो प्रातः स्नान करना, दूसरा कार्य है तुलसी जी की पूजन करना, तीसरा है हरि का जागरण करना, चौथा दीपदान करना और 5वां उद्दापन करना। इन 5 नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर प्राप्त होती है। इसके अलावा 2 कार्य और करने चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना और दान करना। ये दोनों कार्य भी कार्तिक मास के कार्यों में माने जाते हैं। तो आइए देखें प्रातः स्नान में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही आप अपनी शैया को त्याग कर आपके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो तीर्थ स्थान पर जाकर या पुण्य नदी जो भी हो, संगम वगैरह हो आपके शहर गांव में, वहां पे या तालाब बावड़ी कुएं में जाके स्नान करें। और यदि ये सब चीजें नहीं है तो आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान के दौरान व्यक्ति को साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो मना होता है। यदि आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल आप मिला ले तो उस नदी में स्नान के बराबर पुण्य लाभ आप ले सकते हैं। नहाते समय भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पर यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं और घर पर स्नान कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि रात को छत पे तांबे का या मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए और सवेरे उस पानी से स्नान कीजिए तो वो नदी के जल के बराबर शुभ माना जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि कार्तिक मास में गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है, ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। और तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी भी यदि शरीर पे लगा के स्नान करते हैं तो वो कार्तिक में शुभ फलदायक मानी जाती है। दूसरा नियम होता है तुलसी पूजन करना। प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर नियम पूर्वक तुलसी जी की यथाविधि पूजन करनी चाहिए। धूप दीप आदि जलाकर प्रार्थना करें, कथा सुने, आरती करें। तुलसी जी के साथ साथ पीपल की, पथवारी की, आंवली की, इनकी भी पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए।
इस महीने में तुलसी जी का पूजन करना और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो तुलसी जी का हर माह में सेवन करना और उनकी आराधना करना श्रेयस्कर होता है, किंतु कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा के बाद दीपक अवश्य जलाए तुलसी जी के आगे, और तुलसी जी के पौधे पे ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा होती है। वैसे भी आपको एक जानकारी और देना चाहूंगी कि कार्तिक मास जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है, और तुलसी जी भी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी कथा कही जाती है, इस तरह से तुलसी जी की आराधना स्तुति की जाती है। हरि जागरण। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम के कीर्तन और जप करें, कहानी आदि कहें, श्रवण करें। तत्पश्चात कार्तिक महात्म्य के एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार अश्विन सुदी एकादशी यानी पापांकुशा एकादशी से शुरू करते हुए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो रहेगी देव उठनी एकादशी, तब तक कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का पठन और श्रवण आपको करना चाहिए। सारे अध्याय के वीडियोस मैं अपने चैनल पर बनाने वाली हूँ, आप मेरे चैनल पर उनको देख सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में जो कथाएं कही जाती है वो उन सबके भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं, जैसे कि कार्तिक मास की कथा का वीडियो, इसके बाद तुलसी जी की कथा के वीडियो, पीपल की कथा के वीडियो और आंवली की कथा का वीडियो, पथवारी की कथा का वीडियो, और इसके अलावा गणेश जी की कथा का वीडियो, धर्मराज जी की कथा के वीडियो, ये सारे वीडियोज मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन सब कथाओं को भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। लक्ष्मी जी की कथा के भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो सारी कथाएं सुननी चाहिए, कार्तिक महात्म्य के अध्ययन का पाठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। सारे अध्याय पूरे होने के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा तक महात्म्य के स्थान पर पंचभिकम की कहानी प्रतिदिन सुननी चाहिए, यानी 5 दिन तक पंचभिकम की कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद चौथा जो मुख्य कार्य होता है वो होता है दीपदान करना। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो कार्तिक मास के पहले दिन से ही लगातार पूरे महीने भर के लिए जब तक आप व्रत करने वाले हो तब तक नियम से अखंड दीपक जलाना चाहिए भगवान विष्णु जी के सन्मुख। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो रोज एक दीपक आप अवश्य जलाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान करना सबसे प्रमुख कार्य बताया गया है, इससे सुख समृद्धि आती है और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा था कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन करे और दीपदान करे उसे कभी भी धन की कमी मत होने देना। इस महीने में नदी पोखर तालाब वगैरह में भी दीपदान किए जाते हैं, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः नदी और तालाब में दीप प्रवाहित करने चाहिए। यदि नदी तालाब पे जाना संभव नहीं है तो तुलसी जी के यहाँ आप दीपदान कर सकते हो, रोज तुलसी जी को एक दिया जला सकते हो। मंदिर में दीपदान कर सकते हो, मंदिर में एक दिया जला सकते हो। इसके अलावा आकाशदीप भी जलाए जाते हैं। आकाशदीप जलाने के लिए संध्या के समय पे एक लंबा बांस लेके उसके ऊपर वाले हिस्से पे यानी सिरे पे एक दीप प्रज्वलित करके बांस को खड़ा रख देते हैं और पूरी रात्रि उस दिए को जलाया जाता है। ऐसा आप पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यानी कार्तिक मास के स्नान के आखिरी दिन तक कर सकते हैं। पर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे यानी जो अट्टा होता है या छत होती है वहां पर भी आप एक दीपक जला सकते हैं, जो कि आकाशदीप की तरह ही आपके लिए कार्य करेगा। तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। 14 के दिन जो शुक्ल पक्ष की 14 आती 11 से लेके पूर्णिमा तक दीपदान का विशेष महत्व होता है। लोग नदियों पे जाते हैं, स्नान करते हैं और दीपदान करके आते हैं। ये कार्तिक मास में विशेष रूप से किया जाता है। इसके बाद व्रत करा है आपने तो उद्यापन करना भी जरूरी है, तो व्रत का समापन उद्यापन से ही होता है और इसका समापन तुलसी विवाह से शुरू हो जाता है। व्रत के अंत में धर्मराज जी और उनकी बहन यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा में बांस की एक छाबड़ी लेके उसमें वस्त्र बिछा के चावल मिठाई और एक छड़ी तथा धर्मराज जी के वस्त्र और दक्षिणा में रुपया रख के योग्य ब्राह्मण को यह धर्मराज जी के मंदिर पे चढ़ानी चाहिए।
साथ ही यमुना बहन की साड़ी, ब्लाउज और सुहाग की सामग्री देनी चाहिए। और धर्मराज जी का मंदिर यदि नहीं है तो पास के किसी भी मंदिर में कोठे पेटे भरे जाते हैं। इसके लिए चार गन्नों को जोड़कर और एक कोठा टाइप बनाया जाता है, उसमें मूंग, चावल, दूध, दही, खीर, बताशा, हरी सब्जी सब रखी जाती है। और यह सब करने से व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण होता है ऐसा माना जाता है। व्रत के अंत में राधा दामोदर का स्वरूप मानते हुए यदि आपकी सामर्थ्य हो तो रोज एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराओ, यानी 30 दिन तक 30 ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराओ। और यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्रेष्ठ भोजन करा के दक्षिणा के रूप में उनको वस्त्र आदि देके और व्रत का उद्यापन पूरा करना चाहिए। कार्तिक मास के शुरू से लेके अंत तक किए गए सभी नियमों का और परहेजों का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक यदि आप व्रत करते हैं और कार्तिक मास के महात्म्य का एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन सुनना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि कार्तिक मास में 5 नियम प्रधान माने गए हैं, 2 नियम और होते हैं, सूर्य को अर्घ्य देना, रोज आपको सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए और साथ ही साथ दान भी करना चाहिए, जो कि आप व्रत के उद्यापन के समय करते भी हैं। उसमें आप और अपनी इच्छा अनुसार गोदान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, दीप दान में भी आप चांदी का दिया दान कर सकते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी के बागे वगैरह आप दान कर सकते हैं, ये सारे दान भी इस पीरियड में आप कर सकते हैं कार्तिक मास में, जो विशेष पुण्य फलदायी माने जाते हैं। और ये कार्य यदि आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा कार्तिक मास में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए और उनकी पालना भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी की करने वाले कार्यों को करना चाहिए। तो वो जो कार्य जो नहीं करना चाहिए वो कौन से, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला कार्य है कि पहला परहेज जो करना चाहिए वो है कि शैया पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। भूमि पे सोने से को प्रथम यानी सबसे प्रमुख कार्य माना गया है। एक, भूमि पे सोने से मन में सात्विक भाव आते हैं और अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पे बिस्तर लगा के सोना चाहिए। यदि आप बिस्तर में दरी पे नहीं सो सकते तो गादी बिछा लो, नहीं तो दरी पे सोना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो भूमि पर बिना बिस्तर के नहीं सोना है। बिना बिस्तर के सोने का मतलब है स्वास्थ्य और धार्मिक की दृष्टि से वो शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए दरी चटाई बिछाकर या बिस्तर बिछाकर भूमि पर शयन करना चाहिए। दूसरा परहेज जो होता है वो ये होता है कि तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पे तेल की मालिश करनी चाहिए, बाकी के दिन शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, यानी किसी भी हिस्से में शरीर के तेल नहीं लगाना चाहिए। तीसरा परहेज होता है दलहन का खाना निषेध। दलहन का मतलब होता है यानी द्विदलन वाले भोजन, जैसे कि जिनमें 2 फाक होती हो उसको द्विदलन बोलते हैं। तो सारी दालें जो होती वो द्विदलन में आती है, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और तुअर की दाल, राई, इन सबको नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ जैसे राई के साथ सरसों हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुई, ये भी नहीं खाना चाहिए। और इसीलिए कई लोग कार्तिक मास में तेल भी नहीं खाते क्यों, क्योंकि वो द्विदलन से प्राप्त होता है तो वो केवल घी का ही भोजन करते हैं। साथ ही कार्तिक के महीने में बैगन खाना भी अशुभ माना गया है। चौथा परहेज होता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करें और यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी को दोष लगता है और अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। पांचवा जो परहेज बताया जाता है वो है लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कार्तिक मास में लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित माना गया है, इसलिए लहसुन प्याज को भी नहीं खाना चाहिए। छठा जो परहेज बताया गया वो है धूम्रपान और मद्यपान नहीं करना। कार्तिक मास में धूम्रपान और मद्यपान को भी निषेध बताया गया है, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। और सातवां परहेज जो बताया गया वो बताया गया है संयम रखना। तो कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वो तपस्वी के समान व्यवहार करे, यानी कम बोले, किसी की निंदा और विवाद नहीं करे, मन पे संयम रखे और खाने पीने पे भी संयम रखे। इस तरह से वो संयम रख के हर चीज में अपने मन पे कंट्रोल करते हुए और व्रत को पूरा करे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है
और कार्तिक मास के व्रत का पूरा फल आपको मिलता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।